रामपाल यादव के समर्थन में उतरा बास बटोड़ी, टिकट न मिला तो जीत दिलाएंगे। देखिए रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। कोसले विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल यादव के समर्थन में आज पैतृक गांव बस बटोड़ी के पंचायत का सामूहिक रूप से समर्थन दिया। आज दोनों गांव के गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया कि रामपाल यादव ने इलाके की आवाज को प्रमुखता से उठाया है। रामपाल यादव हमेशा जनता के दुख दर्द में शामिल रहे हैं तथा पार्टी के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ पार्टी को ऊंचा उठाने में मेहनत की है। पंचायत में रामपाल यादव ने पिछले 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहने तथा पार्टी के समर्थन जुटाने में अहम योगदान रहा। अब समय आ गया है कि रामपाल यादव को उनकी मेहनत का फल मिले और जनता के बीच का नेता इलाके की कमान संभाले। पंचायत ने पार्टी तथा सरकार से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रामपाल यादव की निष्ठा को देखते हुए कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाए। इस मौके पर रामपाल यादव ने भी पार्टी के साथ जुड़ने और निष्ठा के साथ कार्य करने तथा स्थानीय लोगों के टिकट की मांग करते हुए अपने नाम को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। इस मौके पर रामपाल यादव ने दोनों गांव के सभी लोगों को पंचायत कर समर्थन देते के लिए धन्यवाद दिया। रामपाल यादव ने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों गांव सहित कोसली हल्का उनका भरपूर समर्थन करेंगे। इस मौके पर दोनों गांव के गणमान्य लोगों ने कहा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जाकर रामपाल यादव के लिए समर्थन जुटाएंगे और इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र से रामपाल यादव को जीत दिलाएंगे। पूर्व सरपंच हरिकर बास बटोड़ी जी, सरपंच साहब ये बताएंगे कि जो आज रामपाल जी ने बैठक ली है और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए ये कार्यक्रम रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे गांव की ओर से? पूरे गांव सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, भाई साहब को राव साहब इंद्रजीत आपकी बार जरूर मेहरबान होगे, इस लाइन के उड़ान है, भाई रामपाल सिंह को जरूर टिकट देंगे। नाम भाई साहब? मेरा नाम जगबीर है। जगबीर जी, अभी आपने बुजुर्गों की और रामपाल जी का निवेदन सुना, बुजुर्गों का आशीर्वाद सुना, आप युवाओं की ओर से क्या आश्वासन रामपाल जी को देना चाहेंगे इस गांव के युवाओं की ओर से? देखो युवाओं के अंदर जो भावना है वो ये देखिए कि राजस्थान में जो सीएम का नियुक्त करना है, मध्य प्रदेश में जो नियुक्त करना, तो बीजेपी पार्टी की सीधी एक विचारधारा है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम उनको जो उन्होंने मेहनत की है उनको इस तरह के सेवा का मौका देंगे ताकि वो जन सेवा कर सके, और इस वजह से हमें पूरी उम्मीद पार्टी से है कि वो निश्चित तौर पर रामपाल जी को टिकट देंगे और युवाओं की जो बात मुखर होकर रामपाल जी उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। आप केवल गांव की वजह से रामपाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं या आपको महसूस होता है कि उन्होंने पिछले 43 वर्षों में पार्टी और संघ की सेवा की है? देखो चार दशक से तो हमने लगभग दो दशक से तो हमने भी देखा है कि रामपाल जी लगातार मुखर होकर काम करते रहे हैं, और दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं देखो गाँव का भी एक अपना लगाव होता है, तो इनके प्रति हमारी निष्ठा है वो जरूर है, लेकिन पार्टी के प्रति भी कहीं ना कहीं जब 2014-2019 को हम देखते हैं तो गांव के लोग पार्टी से भी जुड़े हुए, और रामपाल जी को दूसरा फायदा ये है कि पार्टी से भी लोग जुड़े हुए और इनके प्रति गांव के लोगों का भी लगाव, और जो सतलुज जो इन्होंने जो अपना जो शिक्षण केंद्र है उनकी वजह से जो गांव में जो 60-70 गांव में जो इनकी जुड़ाव है, इनकी जो प्रयास से जो शिक्षा की जो इन्होंने रोशनी जगाई है, तो उस वजह से इनके अपने संपर्क है, उन्होंने शाखा के कार्य को अपने शिक्षा संस्थान के साथ साथ उस विचार को भी फैलाया, अपने स्कूल के विद्यार्थियों में इस तरह के संस्कार डाले। कुमार यादव बिटोड़ी गांव से हैं। बिटोड़ी से हूँ। तो आज जो रामपाल जी ने पंचायत और यहाँ मीटिंग ली, बैठक ली, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए पार्टी ने भी कल परसों ये डिक्लेयर किया है कि हम जीताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, और जैसा प्रभाव आप देख रहे हैं, आप भी प्रेस रिपोर्टर आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, बात दूर तक जाए कि इनका प्रभाव आज की तारीख में सबसे ऊपर है और ये जीताऊ कैंडिडेट की लिस्ट में नंबर वन पे है, तो हम ये चाहते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे और ये 100% जीतेंगे। आप बिटोड़ी गांव के सरपंच आप प्रतिनिधि हैं, जो आज रामपाल जी ने बिटोड़ी गांव में इस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे गांव वासियों से बुजुर्गों से जो आशीर्वाद मांगा है, और आप सैकड़ों की संख्या में इस चौपाल में उपस्थित होकर उनकी बात और उनकी बैठक को सुनने आए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या गांव ने और पंचायत ने इनके प्रति फैसला लिया है? बड़े कार्यकर्ता है और इसको टिकट मिलनी चाहिए, और अगर टिकट मिलती है तो पूरा गांव साथ देगा, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय लड़ेगा। आज ये मीटिंग की है, बैठक की है, क्या था पूरा कार्य? आज मेरे गांव की बटोड़ी गांव की पंचायत हुई और मैंने अपने गांव के आगे 2024 का विधानसभा कोसली से लड़ने के लिए
इनके सामने प्रस्ताव रखा और गांव बस्ती में बड़े सहर्ष के साथ पूरा गांव यहां पर है, मौजी जी आदमी है, नौजवान है, और सब ने अपने लाडले बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है कि हम आपके साथ। दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है कोसली में, ऐसे में अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो अब ये आपकी रणनीति क्या रहेगी कि आप टिकट चुनाव जरूर? पार्टी हाईकमान निश्चित तौर से पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता पर ध्यान कर रही है इस बार, क्योंकि बार बार अगर जो है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेगी तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए पार्टी का पहले बहुत बार जो है मुझे आश्वासन मिला, इस बार पार्टी मेरे पर विचार कर रही है, पूरी कौशली विधानसभा कि जनता मेरे लिए टिकट मांग रही, मैं अकेला नहीं मांग रहा। इस बार भी अगर आपको आश्वासन ही मिलता है, टिकट नहीं मिलती है, तो आगे क्या करेंगे? मेरे उस समय अगर किसी कारण से 1% अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो जो जनता जनार्दन जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है वो जो मुझे आदेश करेंगे मैं उसकी पालना करूंगा। बहुत भारी वो गांव जो कभी चुनाव में जाता था, आज जीवड़ा है, आसिया की है, गोरावास है, पालावास है, जिस गांव में जा रहा हूं सब के सब एक ही आवाज पे आ रहे हैं, अगर आप जो है भाजपा से टिकट जरूर आपको मिलेगी, हम आपके तन मन से साथ हैं, और यदि टिकट भी नहीं देती हम आपके साथ हैं, ये लोगों का जो है आशीर्वाद।